पलमल में यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने पुलिस महकमे को लेकर सख्त बयान दिया है। यूपी के राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने चंदौसी में बयान देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी अगर बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता हमेशा सही कार्य के लिए ही सिफारिश करते हैं। जो पुलिस अधिकारी अगर सही कार्य के लिए भी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनेंगे, ऐसे अधिकारियों के ऊपर शिकायत की जाएगी। दरअसल यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का बयान गुरुवार को संबल जनपद के धनारी थाने के इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खटरवंशी के साथ हुई अभद्रता के मामले के बाद सामने आया है। बीजेपी नेताओं के साथ अभद्रता का मामला संज्ञान में आने के बाद यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने चंदौसी में अपने आवास पर सख्त बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में जो पुलिस अधिकारी बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की नहीं सुनेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी के और पदाधिकारी नेता सही काम के लिए ही सिफारिश करते हैं, गलत कार्य के लिए बीजेपी नेता कभी नहीं कहते। अगर पुलिस अधिकारी सही काम के लिए भी बीजेपी नेताओं की नहीं सुनेंगे तो ऐसे अधिकारी की शिकायत ऊपर की जाएगी। इस समय पुलिस अफसरों के प्रति मुख्यमंत्री भी सख्त हैं। अगर पुलिस अधिकारी सही काम के लिए भी पार्टी और जनता की नहीं सुनेंगे तो ऐसे अफसरों के खिलाफ सुनिश्चित सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। इसके कार्यकर्ता सही काम के लिए ही कहते हैं, गलत काम के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं कहता है, ना उसके अंदर एहसास है कि कोई भी गलत कार्य वो कराए। अगर उसके सही काम में भी परेशानी आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सख्त हो गए हैं कि कोई भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य जनता की सही कार्य अगर प्रशासन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मेरा सवाल यह है कि संबल जनपद में जो कि आपका गृह जनपद है, यहाँ पर धनारी थाने में जो आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इनके साथ अभद्रता हुई है, लाइन हाजिर हुए हैं, इसको लेकर के आपके हाईकमान तक पहुँचाएंगी इस मामले को और क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इस मामले के लिए के कप्तान यहाँ के जो SSP हैं वो तो देख ही रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है और इस चीज़ के लिए ऊपर भी पहुँचाया जाएगा कि प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की उपेक्षा की जाती है सही काम के लिए, तो ऐसे अधिकारियों के लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए।